Hello friends, welcome back to our channel. This is Sajal Verma from Civil Center. Today topic is how to make a building plan. It means हम लोग planning कैसे करते हैं उस चीज के बारे में हम लोग आज जानेंगे. सबसे पहले planning करने के लिए हम लोगों को client का requirements के बारे में जानना होगा. Client requirements means आप planning जितना भी अच्छा कर लेते हो यदि क्लाइंट का नीड्स फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो प्लानिंग को अप्रिसिएट नहीं करेगा. तो हम लोगों को क्लाइंट का रिक्वायरमेंट प्रॉपरली लेना है, उसके बाद प्लानिंग करनी है. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने फिगर में एक एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे आपका बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स होता है. क्लाइंट का बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है, उसको हमें कन्वर्ट करना है एक सिंगल यूनिट प्लान में. तो क्लाइंट एक कंसल्टेंट के पास तभी जाएगा जब उसका बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स को एक प्लान में कन्वर्ट कर पाएगा, इसीलिए वो कंसल्टेंट को हायर करेगा. ठीक है, तो कैसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हमको कुछ रिक्विजिट्स का रिक्वायरमेंट होगा कि वो क्या क्या है हमें जानना होगा. तो सबसे पहले हमको क्लाइंट का नेम, उसका प्रोफेशन, उसका करंट एड्रेस, और ये सब हम लोग क्यों जान रहे हैं, क्या रीज़न है कि हमको ये जानना है. यहाँ पे देखिए, आपको मैंने लिखा है दीज आर रिक्वायर्ड फॉर डिफाइनिंग द स्टैंडर्ड क्लास ऑफ क्लाइंट. इट्स मीन दैट कि वो क्लाइंट जो है वो किस स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है, वो मिडिल क्लास से है, हायर क्लास से है, तो वो कहाँ से बिलोंग करता है, उस चीज़ को जानने के लिए हमको उसका प्रोफेशन और उसका करंट एड्रेस को जानना होगा. और नाम तो हमें जानना ही है बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लाइंट नेम है डॉक्टर राजकुमार और उसका जो प्रोफेशन है वो प्रोफेसर है बीटेक कॉलेज में. ठीक है, उसका प्लॉट नंबर 115/119 HIG कॉलोनी XYZ, मतलब कहीं का भी एड्रेस हो सकता है. अभी क्या है, HIG मतलब हायर इनकम ग्रुप कॉलोनी में वो रह रहा है अभी. तो इट्स मीन डैट कि वो मिडिल क्लास से तो बिलोंग करता ही है, इतना हमें सोच के चलना है कि वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है. हो सकता है वो हायर क्लास का भी हो या हायर मिडिल हो. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट रिक्विजिट के ऊपर मूव करते हैं. उसके बाद है कि जो हमारा प्लॉट का लोकेशन है वो कहाँ पे है, वो हमें जानना होगा. ठीक है, तो एग्जांपल में हमने एक लोकेशन लिया है, इसका प्लॉट एड्रेस जो है वो है हमारा 119/121 VIP कॉलोनी. इट्स मीन डैट उसका जो करंट प्लॉट है जो उसने परचेज किया है वो भी हमारा क्लास को डिफाइन कर रहा है, वो एड्रेस भी हमारा एक क्लास को डिफाइन कर रहा है. तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि ये मिडिल क्लास, कन्फर्म मिडिल क्लास क्लाइंट है और हायर मिडिल भी हो सकता है. तो हमको उस चीज़ को ध्यान रख के हमको प्लानिंग स्टार्ट करना पड़ेगा. सेकेंड है, आपको प्लॉट एरिया जानना होगा. प्लॉट एरिया हमें पता चल गया, हमने मेजरमेंट लिया या उससे पूछा, जो भी है 1500 स्क्वायर फीट. उसके बाद हमारा प्लॉट डायमेंशंस के बारे में. अब ये प्लॉट डायमेंशंस में हमें क्या क्या चाहिए उसके बारे में हमें देखना है. तो प्लॉट डायमेंशन में हमें लेंथ एंड विड्थ चाहिए होगा और बोथ डायगोनल्स चाहिए होंगे. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास जो प्लॉट है वो 30x50 का है और जो इसका डायगोनल आ रहा है वो आपका 58.31 फिट है. यहाँ पे हम लोग जितना भी डायमेंशंस का बात कर रहे हैं वो सभी फिट में कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग प्लॉट डायरेक्शन के ऊपर. क्योंकि डायरेक्शन हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यदि हमें डायरेक्शन पता होगा तो हमें ये पता चलेगा कि वास्तु हम उस प्लान के अंदर कैसे फॉलो करेंगे या वास्तु का कंसिडरेशन क्या है, कैसे इसको अपने प्लानिंग में इंक्लूड करेंगे. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा जो है नॉर्थ है टॉप साइड में है, ईस्ट जो है आपका राइट साइड में है. यहाँ 30 फिट की तरफ आपका ईस्ट है और नॉर्थ जो है आपका वो 50 फिट की तरफ है. नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं. यहाँ पे आपका आता है रोड डायरेक्शन या रोड पोजीशन. तो ये रोड पोजीशन क्या होती है कि यहाँ पे आप देखिए कि आपको पता है कि जो आपका रोड है वो ईस्ट साइड में है. यदि आपका रोड ईस्ट साइड में है तो आपको इंट्रेंस ईस्ट साइड में ही देना है. तो वो कैसे देंगे और उसके लिए हमें क्या क्या फॉलो करना होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में भी देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग प्लानिंग करेंगे इस प्लान के ऊपर. और दोस्तों, हम लोग इस प्लान को लेकर पूरा फुल प्लानिंग करेंगे, तो हमारे वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते रहिए. अभी नेक्स्ट देखते हैं कि और भी सारे रिक्विजिट्स होते हैं, जैसे टाइप ऑफ बिल्डिंग. उस बिल्डिंग मतलब जो प्लान, जो प्लॉट है उसका, उसके अंदर वो किस टाइप का बिल्डिंग चाहता है, कमर्शियल चाहता है, रेजिडेंशियल चाहता है, क्या चाहता है. उसके बाद नंबर ऑफ फ्लोर, वो कितने फ्लोर्स का बनाने वाला है. फिर
फ्लोर तो बना दिया, उसके बाद ईच फ्लोर का पर्पस पता होना चाहिए कि वो इंडिविजुअल फ्लोर को किस किस पर्पस के लिए यूज करेगा। और यहाँ पे फ्लोर टू फ्लोर हाइट भी हमें चाहिए क्योंकि हमें स्टेयरकेस प्रोवाइड करना है। आफ्टर डेट आता है स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। स्पेशल रिक्वायरमेंट्स में आपका एंड आता है, जैसे मान लीजिए किसी को रेजिडेंशियल बिल्डिंग चाहिए तो उसमें रूम का साइजेस, कितने नंबर ऑफ रूम्स, वो बहुत सारा चीज़ें, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप हमारे चैनल को ऐसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कंटिन्यू रहिए क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं नेक्स्ट प्लानिंग स्टेप के ऊपर। थैंक यू।